अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ भरवा मसाला बैंगन की रेसिपी, और ये थोड़ा अलग तरीके से बना के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या इसके इन्ग्रीडियंट्स और कैसे बनेगा भरवा मसाला बैंगन। तो यहाँ पर भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे बैंगन ले लिए हैं, और भरवा बैंगन ना छोटे बैंगनों का ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऊपर वाला पार्ट मैं छोड़ दूंगी और नीचे वाले पार्ट को मैं कट करूंगी, और उसके बाद इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ताकि इसमें अगर कुछ भी कीड़ा वगैरह हो तो मैं अच्छे से चेक कर लूं और उसको हटा दूं। तो इस तरीके से मैंने नीचे वाला पार्ट को कट कर लिया है, और उसके बाद देखिए चार ऐसे पार्ट्स में मैं कट करके और बीच में ऐसे चेक कर लेती हूं, और फिर उसके बाद इसी तरीके से मैं सारे बैंगन को कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरे बैंगन कट कर लिए हैं और सबको चेक भी कर लिया है, तो सारे बैंगन एकदम फ्रेश हैं। बस अब इसको मैं साइड में रख दूँगी और इसके लिए जो है मसाला रेडी करूँगी जो हमें इसके अंदर भरना है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च से जो है जब हम भरवा बैंगन को बनाएंगे ना तो उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला दिया है, और साथ ही मैंने जो है यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और उसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद सरसों ऑयल। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये जो मसाला है ना, इसका टेस्ट जो है भरवा बैंगन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये मसाला रेडी हो गया है, अब हम बैंगन को लेंगे और उसके बाद वो जो मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है उसके अंदर जो है हम अच्छे से मसाला डालेंगे ताकि नीचे नीचे अच्छे से मसाला चला जाए। तो आप या तो हाथों की हेल्प से या तो चम्मच की हेल्प से अच्छे से मसाले को अंदर अंदर डाल दीजिए ताकि पूरा मसाला अंदर में अच्छे से चला जाए। तो इस तरीके से मैंने मसाला भर दिया है, और सारे बैंगनों में मैं इसी तरीके से मसाला भर के साइड में इसको रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बैंगन में मसाला भर लिया है, और ऊपर ऊपर तक एकदम अच्छे से मसाला भर गया है। तो अब मैं चढ़ा लेती हूँ 1 कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच सरसों ऑयल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैंगन को फ्राई करना है, क्योंकि भरवा बैंगन हम एकदम पूरे खड़े बैंगन का बनाते हैं तो इसको गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम पहले अगर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इससे ये कुछ परसेंट पक भी जाता है, और उसके बाद जो है इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं सारे बैंगन को डाल दूंगी, और कम से कम मैं इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी ताकि ये अंदर से भी थोड़े से पक जाए। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए थे और बैंगन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और अंदर के मसाले भी जो है उसमें पकेंगे तो बैंगन में उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं अभी इसको 2 मिनट तक और ढक के अच्छे से पका लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे बैंगन जो है अच्छे से फ्राई हो गए, तो मैं अब इसे निकाल कर साइड में रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं रेडी करती हूँ इसकी ग्रेवी। तो ये जो है कुछ परसेंट इसमें पक ही गया है, और अब जो थोड़ा बहुत बाकी है वो ग्रेवी में अच्छे से गल जाएगा। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने फिर से वही कढ़ाई चढ़ा ली है जिसमें मैंने बैंगन को फ्राई किया था, और मैंने 1 चम्मच सरसों ऑयल फिर से डाल दिया है उसमें, और जब तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं डालूंगी उसमें 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और उसके साथ ही मैं 1 लाल मिर्च को तोड़कर डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने एकदम पॉप कर लिया इस तरीके से, और मैंने इसको उसमें डाल दिया है, और मैं इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे और प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, तो बस इसी टाइम मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से प्याज के साथ मिलाएंगे, और कम से कम 1 मिनट तक हम इसे भी भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चापन वो है जो है वो ख़त्म हो जाए,
और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसका मैंने एकदम प्यूरी अच्छा वाला बना लिया है और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद इसे भी हम अच्छे से प्याज और अदरक लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे। और बस मैंने टमाटर डाला है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। तो मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ नमक। तो नमक के साथ मैं कुछ सूखे मसाले भी डाल दे रही हूँ, जिसमें मैंने डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। तो भुना हुआ ज़ीरे का जो टेस्ट है ना ग्रेवी में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से इसे मिला दूँगी सारे मसालों के साथ, और कम से कम इसे मैं 2 मिनट तक भूनूँगी ताकि जो मसाले कच्चे हैं वो अच्छे से भुन जाए और साइड्स में ऑयल अच्छे से दिखने लगे। तो यहाँ पर मसाले ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और साइड में तेल भी दिखने लगा है, इसका मतलब मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो बस इसी टाइम ऐड कर देंगे हम वो बैंगन जो हमने फ्राई करके रखा था। तो ये बैंगन डाल के पहले हम अच्छे से मसाले के साथ इसे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसे एकदम लो फ्लेम करके हल्का सा पानी डाल के और लो फ्लेम करके ढक कर पकाएंगे। तो यहाँ 3 मिनट तक बैंगन अच्छे से पक गया है और बैंगन जो है हल्का हल्का गलने भी लगा है। तो अब इसी टाइम मैं ऐड कर दूँगी इसमें कसूरी मेथी। तो भरवा बैंगन मसाले में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच एकदम फ्रेश दही, और एकदम गाढ़ी दही डालना है। तो उसके बाद जो है हम अच्छे से बैंगन में इसको मिक्स कर लेंगे, और इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि बैंगन टूट नहीं जाए, क्योंकि और एकदम लास्ट में दही पड़ता है तो बैंगन गल चुके होते हैं उस टाइम। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी धीरे धीरे, और बस यहाँ पर रेडी हो गया है भरवा मसाला बैंगन। तो गाइज आप इस भरवा मसाला बैंगन को ज़रूर ट्राई कीजिए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी मेरे हाथों की कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंजॉय कीजिए किसी भी तरह की रोटी चावल या पूरी के साथ, और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखिए।